इस वीडियो में आपको बताऊंगी आप अपने मोबाइल पर गूगल पे अकाउंट कैसे बना सकते हो और साथ में बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे न्यू चैनल टैप शिविर पर। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक आप देख लोगे ना, मुझे लगता है आपको किसी दूसरे वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी आप गूगल पे अकाउंट कैसे बना सकती और उसके साथ बैंक अकाउंट में कैसे ऐड कर सकते हो। सो ये वीडियो एंड तक देखो और ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब यहाँ गूगल पे ऐप्स को आप ओपन कर लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। करने के बाद आपको आपकी रजिस्टर मोबाइल नंबर दे देना है। सो मैं मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, सेम इसी तरह आप दे देना है। दोस्तों, इस ऐप्स का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे भी जाकर डाउनलोड कर सकती है। सो नेक्स्ट पर क्लिक करने बाद में आपको एक OTP आ जाएगा, वो वेरीफाई कर लेना है। OTP को यहाँ पर डाल देना है। आपका अकाउंट हो गए, आप जिस पिन को या पेटीएम को रख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो। सो आप करना है बैंक अकाउंट ऐड, ये देखिए ध्यान से भाइयों, देखिए आप यहाँ पर टच कर दिए। करने के बाद ऐड अकाउंट पर यहाँ पर कर दीजिए और आपकी जिस बैंक का खाता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, जिस बैंक है आपके पास। सो मेरा जिस बैंक है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसे सिलेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, आने के बाद आपकी नंबर और ये सब वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद ATM की पीछे जो 6 नंबर है उसे यहाँ पर डाल देना है, सेम इसी तरह आप डाल दीजिए, यहाँ पर बिठा दीजिए। देने के बाद आपको नीचे एक्सपायर डेट ATM कार्ड में यहाँ से एक्सपायर डेट दे देना है, ये देखिए ऐसे दे देना है। सॉरी मैं रॉन्ग हो गया, मैं दे रहा हूँ। सो इसी तरह आप दे दीजिए। देने के बाद यहाँ पर पिन पर क्लिक कर दीजिए और आपके पास फिर से और एक OTP आएगा। इस OTP को आप यहाँ पर बिठा दीजिए। OTP को वेरीफाई करने के बाद मेरा OTP आ गया। इस OTP को आप वेरीफाई कर दीजिए। करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, मतलब आपके अकाउंट हो गए, मतलब ऐड हो गए ATM कार्ड से। सो ऐसे कर सकते हो। छोटी सी वीडियो है भाई, अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब